वेलकम टू फिट कैंटी पे। तो ट्राई करते हैं। 60 रुपए के हमारे चीज वाले वेज अप पे आ चुके भाई। इसको मैं राम लड्डू नहीं बोलूंगा, एक्चुअली में ना ये नशे की गोलियां हैं भाई। मेरे को तो लग रहा है ये गर्मियों के अंदर लीटर लीटर पी जाते होंगे लोग। तो भाई रजौरी गार्डन मार्केट आ चुके हैं और यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ मैं ऐसी ऐसी खाने की चीजें, क्योंकि फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और आपको करनी है शॉपिंग, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा शॉपिंग के साथ खाना। आ जाओ मेरे साथ। पहले स्टॉप पर आए हैं विनोद चाट भंडार, यहाँ पे खाएंगे भाई कुछ बढ़िया सा आइटम, क्योंकि यहाँ मिलता है बहुत सारी चीजें। ये देख लो भाई साहब, सबसे पहला आइटम जो मैं दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये है भाई पाव भाजी। इनकी पूरा सेटअप है, दुकान एकदम छोटी सी गली देख रहे हो उसके अंदर सेट कर रखा है पूरा मामला। और ये देखो भाई, ये लगा दिया तवा, इसके अंदर भाई टिक्की सिक्की और आलू। ये टोकरी चाट है, अच्छा जी। और ये आलू की चाट वगैरह सब कुछ है, ये सारा सेव पापड़ी सब कुछ एवरीथिंग, भेलपूड़ी भी है। तो मैं देख रहा हूँ भाई लोग अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया खाना लोग पैक करवा रहे हैं, स्पेशली यहाँ पे खा भी रहे हैं। और ये अच्छा जी, ये किशमिश वगैरह डाल रहे हैं और ये डाल रहे हैं फ्लैक्स सीड्स वगैरह मगज। वाह भाई वाह, गोलगप्पे वगैरह लोग इंजॉय कर रहे हैं। अब एक काम करते हैं, हम भी गोलगप्पे खाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इनकी लगवाता हूँ एक भरवा गोलगप्पे की प्लेट, जो कि काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे। ये देखो भाई चटनियाँ कौन कौन सी दिखाओगे, और ये किस चीज़ की चटनी है? ये अमचूर की है। अच्छा, ये इमली की है। अच्छा, दही है, क्रीम वाली। ठीक है जी, भल्ले है इनके पास, गोलगप्पे सूजी वाले आटे वाले दोनों हैं, पापड़ी है इनके पास। मेरे लिए एक काम करो, फटाफट लगा दो भरवा गोलगप्पे की प्लेट। तो ये देखो भाई साहब, पहले आ गए भाई भल्ले, छोले, छोले, आलू। अच्छा जी, वाह। तो ये मतलब कि पहले स्टफिंग डाल रहे हो ना, जो जो गोलगप्पे के अंदर भरना है वो दिखा रहे हो पहले। तो ये थोड़े से मसाले आ जाएंगे भाई, बढ़िया से। कितने साल पुरानी शॉप है? 40 साल हो गए, क्या बात है भाई। लो भाई ये आगे भाई दही, ओए शाबाश, क्या बात है। ऐसे देख सकते हो भैया, भैया ने हेयर कैप भी पहना हुआ है, क्योंकि फूड का काम कर रहे हैं, तो जितना हाइजीन मेंटेन रख सकते हैं उतना हाइजीन मेंटेन रखते भी हैं। ये आगे भाई हमारी स्टील की प्लेट, कितने पीस आएंगे? वाह भाई, 6 गोलगप्पे, वो भी भरवा एकदम बढ़िया से, दही पूरी सब डाल के। अब ये स्टफिंग करेंगे भाई। तो आप एक बात बताओ, जब भी यहाँ पे कोई बंदा आता है खाने के लिए, तो सबसे ज्यादा वाला मतलब आइटम को क्या लेता है, गोलगप्पे खाता है या क्या खाता है? भरवा गोलगप्पे। भरवा मतलब मैंने सही सही चीज ली ना मैंने, मतलब क्या बात है। भल्ले पापड़ी चाट, भरवा गोलगप्पा, आलू टिक्की, टिक्की चाट, टोकरी चाट मैं देख रहा हूँ। टोकरी चाट कितने की आती है? अरे 100 रुपए का। आलू चाट लो तब भी 100 रुपए का। अच्छा, 50 के कितने? 5। अच्छा लो भाई साहब, ये देखो ये प्लेट भर दी है, अब आएगा भाई असली मामला। ये देखो भाई, ये आ गए भाई चटनी, सबसे पहले आइटम। उसके बाद आ गया भाई मेन इंग्रेडिएंट दही, इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट है ये भाई। अगर रजौरी गार्डन घूमने आ रहे हो ना, तो याद रखना विनोद चाट भंडार पे आना आपको इसको ट्राई करने के लिए। लो भाई हरी चटनी के साथ बढ़िया डिजाइन बना दिया, अभी लाल चटनी ऊपर और आएगी, और ऊपर आएगा भाई बढ़िया सा मसाले एंड सेव, है ना? ये आ गई पालक वाली सेव। अच्छा, मद्रासी मिक्सचर, कौन सी चाहिए? जीरो सेविया। बन गया ये 100 रुपए का आइटम है। तो भाई इसको लेते हैं, अब करते हैं टेस्ट और लास्ट में पानी वाला गोलगप्पा खा के निकलेंगे। तो भाई भरवा गोलगप्पे आ चुके हैं, देख सकते हो भाई साहब क्या बढ़िया लग रहा है, एकदम सजा दिया बढ़िया से। 3 तरह की तो इन्होंने सेव डाली है इसके अंदर, पालक की सेव है, गुजराती सेव है इनकी, और एक जीरो सेव जो कि एकदम जीरो सेव है। ये नागपुर में खाई थी मैंने जीरो सेव, बहुत बढ़िया थी, और बढ़िया से दही वही पूरा बढ़िया पुचका बना दिया बढ़िया सा। ये दिल्ली की जान है एक्चुअली में, कहते ना जैसे कोलकाता में पुचका होते हैं, अपने यहाँ गोलगप्पे होते हैं, कई जगहों पे पतासे होते हैं, तो बस चलता रहता है, नाम चेंज होता रहता है लेकिन टेस्ट सेम ही रहता है। तो ट्राई करते हैं। ओ भाई साहब, एकदम ठंडा ठंडा, एकदम ठंडा ठंडा भाई, एकदम ठंडा जैसे कहते हैं ना बर्फ वाला वो है। ये देखो भाई साहब, इसे कहते हैं भाई गोलगप्पा एक्चुअली में, मेरे मुंह के जैसा फुला हुआ। ओहो हो, बहुत बढ़िया है, 100 रुपये वसूल है।
एक्चुअली में ये वाला आइटम कहीं और खाओगे ना सिर्फ लोकल जगह पे तो 50 रुपये में आ जाता है, 50-60 में, बट यहाँ पे 100 रुपये का मिलेगा क्योंकि रजौरी मार्केट है तो सब चीज़ें कैलकुलेट होती है, रेंट एंड ऑल एवरीथिंग। भीड़ देख सकते हो आप, पूरी की पूरी भीड़ लग चुकी है, पूरी की पूरी भीड़ लग चुकी है, हर एक बंदा आ गया भाई, चाट खा रहा है कोई, गोलगप्पे खा रहा है कोई, अंदर सामान बनवा रहा है अपना अलग से। इससे बढ़िया चीज़ मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कोई होगी, लेकिन प्लेसेस और भी हैं यहाँ पे ट्राई करने वाली। चलते हैं सीधा कहीं और बताते हैं आपको और क्या क्या है यहाँ पे बढ़िया खाने का। अरे भैया जी हैं, चाहे आप जितने मर्जी अमीर हो लेकिन इनके आगे हाथ फैलाना ही पड़ता है। ये देखो भाई, ये आ गया बढ़िया सा गोलगप्पा, मज़ेदार। मज़ा आ गया। रजौरी मार्केट में है और यहाँ पे अप्पे किंग करके एक कार्ट है और ये हमारे भाई अप्पे बन रहे हैं और ये बन रहे हैं हमारे वेज चीज़ अप्पे। सर बनाना देखना, ये देखो भाई सब एकदम गोल्डन क्रिस्पी अप्पे बनेंगे, मज़ेदार। ओए होए होए, क्या बात है। कितने बजे लगाते हो भैया कार्ट? 4:30 स्टार्ट हो जाता है, क्या बात है भाई। भाई साहब अब ये देख सकते हो भाई, ये अब ये चीज़ क्यूब डाला जा रहा है इसके अंदर, मतलब इसमें चीज़ पुला था क्या? मतलब चीज़ का फ्लेवर ज़रूर आएगा, देखो चीज़ डाल रहे हैं भैया, बढ़िया से एकदम मज़ेदार। वैरायटी ऑफ अप्पेज है इनके पास, यहाँ पे आके आप ट्राई कर सकते हो। तो ये भी एक ऐसा स्पॉट है कि अगर आप शॉपिंग करने के लिए आ रहे हो रजौरी गार्डन तो मस्ट ट्राई है, यहाँ पे आके आप ट्राई कर सकते हो इनको। तो भाई साहब एक्स्ट्रा फ्लेवर गन पाउडर डाल दिया। तो ये कितने बजे तक रहते हो आप? 10:30। और 7 डेज आते हो? 7 डेज आते हैं भाई। तो अगर आप किसी भी दिन आ रहे हो शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि फेस्टिव सीजन तो स्टार्ट होने वाला है और हर किसी को बहाना चाहिए रजौरी मार्केट आने का, तो यहाँ पे आके आप इसको ट्राई करना। बेक हो रहा है, बेक हो रहे हैं ना एक्चुअली? अच्छा बेक्ड है ये, ज़्यादा ऑयल नहीं डालते इसमें, मतलब अच्छा सिर्फ ड्रॉप चलती हैं, क्या बात है। हमने तो देखा है वो देसी घी भर के डालते हैं, ऑयल डालते भर भर के तभी करारा होता है। अच्छा वाह भाई वाह, क्या बात है भाई। अब ये एक बार और लास्ट भरा जा रहा है, इसको 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 ढक रहे हैं ताकि ये दूसरी साइड से भी बढ़िया से बेक हो जाए। ये देखो भाई साहब, ये हो गया भाई डन। अब देखो भाई साहब ऑर्डर निकल रहे हैं, जिसने जैसे जैसे ऑर्डर दिया है बढ़िया से बढ़िया। भैया एक बार मुझे बताओ, एक बार ज़रा मेन्यू दिखाना, क्या क्या वैरायटी, क्या क्या आपके अप्पे में? देखो भाई साहब ये सारी की सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी अप्पे में, यहाँ पे वेज 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 ही है ना, प्योर चिकन भी है? अरे अच्छा अच्छा, दो तभी बना रखे आपने, वेज भी है इनके पास और नॉन वेज भी है, क्या बात है भाई। वेज हाफ और फुल दोनों हैं। अब देखो भाई क्या लगाते हैं, चटनी वटनी लगाते हैं? लगाओ भैया, किसी का लगा दो ऑर्डर। अच्छा अब ये देखो भाई, इसमें सबसे पहले गन पाउडर डाला जा रहा है, साथ में चटनी आ गई भाई। ये चटनी किस चीज़ की होती है? नारियल की, कोकोनट की और साथ में टोमेटो एंड कोकोनट। वाह ये हो गई भाई तैयार। अब हम भी अपना फटाफट लगवा लेते हैं चीज़ वाले जो ऑर्डर दिया है, जैसे ही आएंगे फिर टेस्ट करके बताते हैं आपको। और ये हमारे मित्र खड़े हैं जो कि हमारे को फॉलो करते हैं बहुत टाइम से, शादी से पहले गया ना? क्या बात है, तो फिर आज आपको हमारे साथ फिर टेस्ट भी करना है, क्या बात है भाई। भाई साहब ये हमारा ऑर्डर भी लग गया है भाई, ये पूरा तैयार हो गया है, चटनी वटनी डलवाते हैं बढ़िया से, टेस्ट करके बताते हैं आपको टेस्ट कैसा। विदाउट चीज़ वाले लोग हैं तो वो चटनी के साथ देते हैं खाने के लिए ना, चटनी इसके साथ भी आएगी वैसे? अरे वाह वाह भाई वाह। और ये हमारी 80 रुपये की है ना, कितने की? 60 रुपये की। ये 60 रुपये के हमारे चीज़ वाले वेज अप्पे आ चुके हैं, अब भैया के साथ करते हैं टेस्ट और बताते हैं आपको टेस्ट कैसा। तो ये हमारे भैया, क्या नाम किया आपका? साहिल भैया। और ये देखो भाई साहब, ये है भाई चीज़ वाले अप्पे, एक्चुअली में वेज चीज़ अप्पे है ये। और भैया जेन्युइन रिव्यू देंगे खा के कि कैसा टेस्ट है, बताओ भैया। है वर्थ है, बहुत बढ़िया है भैया। मतलब जो भी हमारी बहनें शॉपिंग करने के लिए यहाँ आ रही है, आए फिर खाने? बिल्कुल मस्ट ट्राई। तो भाई फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो गया, अब बस बहाना ढूंढ लो रजौरी मार्केट आने का और इसको ट्राई करो। अब मैं ट्राई करके देखता हूँ। मतलब छोटा सा क्यूब डाला हुआ चीज़ का, बट फ्लेवर आ रहा अच्छा, एक्चुअली में टेस्ट अच्छा है। अगर आप रजौरी आ रहे हो तो इसको ट्राई करो। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसके बाद मैं क्या खाने वाला हूँ। भैया अगली जगह पे आ चुका हूँ मैं और यहाँ पे नमस्कार आंटी। नमस्कार आंटी, कितने टाइम से लगा रहे हो यहाँ? हो गई कम से कम 35-36 साल लगते रेडी। 35 साल यही खड़े होते हो या कहीं और भी होते हो? यही खड़े होते हैं, दिन में 1 बजे यहाँ आते हैं, फिर शाम को 6 बजे उधर चले जाते, सामने चले जाते चौक पे। क्या बात है भाई, देख सकता हूँ भाई राम लड्डू,
भाई इसको मैं राम लड्डू नहीं बोलूंगा, एक्चुअली में ना ये नशे की गोलियां हैं ये लड़कियों की, क्योंकि लड़कियों के फेवरेट है ज्यादातर, तो लड़कियां आती होंगी खाने यहाँ पे, महिलाएं ज्यादा आती होगी ना। क्या बात है, एक बार दिखाना जरा, एक प्लेट बना के दिखाओ बढ़िया से, ताजा बना के दिखाओ एक बार। तो भाई साहब ये बन रहे बढ़िया से राम लड्डू, बढ़िया से एकदम गोल्डन क्रिस्पी मजेदार। और आंटी क्या क्या होता है यहाँ पे? हमारे पास होता है मूंग की दाल का लड्डू, मिर्च का पकौड़ा, स्प्रिंग रोल, ब्रेड पकौड़ा, वाह, लेमन सोडा, सब कुछ है। मतलब स्नैक्स के लिए सब कुछ आपके पास, बढ़िया से एकदम, देख रहे हो एकदम मजेदार गोल्डन कर देंगे। देखोगे दोनों में कितना फर्क आ गया, बर्फ वाला गोला भी होता है। अच्छा अब बस बर्फ वाला गोला स्टार्ट कर दोगे खत्म, सर्दी आने वाली? सर्दी में बंद कर देते, गर्मी में हो रही बात। अच्छा क्या बात है भाई, भाई साहब एक साथ लगातार तीन तीन प्लेट लग रही है एकदम बढ़िया से, गोल्डन बॉल्स जैसे कहते हैं, बढ़िया सी राम लड्डू। और जैसे मैंने बताया भाई ये नशे की गोलियां एक्चुअली में अफीम की गोलियां हैं, है ना, क्या बात है। बोले लड़कियों को ज़्यादा पसंद आता है एक्चुअली में, ऐसा नहीं है पर आपको पसंद नहीं है? तो वैसे मैं तो मैं मेजोरिटी बोल रहा हूँ, मेजोरिटी तो नहीं, बोले लड़के भी खाते हैं, क्या बात है। नहीं ये राम लड्डू की बात कर रहा हूँ, गोलगप्पे भी, ये भी सब खाते हैं, जो अच्छी चीजें सब खाते हैं, सारे चटूरे हैं मतलब। ये तो सबका फेमस है, हैं सबका फेमस है पुराने लड्डू। राम लड्डू कहते हैं क्यों? ये राम लड्डू वहाँ क्यों पता नहीं भैया, ये दिखते चले आ रहे वही पता है हमको। हाँ जैसे यहाँ पर है ना एक करोल बाग में भी है, हाँ वो साइड में, वो भी बहुत अच्छा है, करोल बाग में भी है, सेंटर मार्केट लाजपत नगर में भी है, करोल बाग वाला बहुत बढ़िया, क्या बात। ये देखो भाई साहब तैयार हो चुका है एकदम बढ़िया से, अब लगवाते हैं गर्मा गर्म प्लेट और दिखाते हैं, इसे मूली वूली सब डलेगी ना तो मज़ा ही आ जाएगा सीधा। ये आ गया भाई बढ़िया से, ये भैया जी आए कर चाय बनाता हूँ, मेरा भी ले लो, भीड़ लग जाती है भाई, भीड़ छूट कर लग जाती है, शूटिंग चल रही है साहब, ये हमारी है ना? हाँ जी। चलो बढ़िया भाई, ये आ गई भाई हरी चटनी बढ़िया सी, और ये लाल चटनी किस चीज की बनी होती है? ये मीठी सौंठ होती है, मीठी सौंठ है ये, वही गोलगप्पे वाली? हाँ जी। अरे वाह क्या बात है, और इसके ऊपर आ गया भाई मसाला, 60 रुपए की प्लेट ने? हाँ जी 60 रुपए की प्लेट तैयार, राम लड्डू बढ़िया से आ चुका है। ये राम लड्डू को राम लड्डू क्यों कहते हैं आपको इसका पता है? अगर पता है तो नीचे कमेंट जरूर करना, और राम लड्डू आपको कहाँ के पसंद है ये भी बताना, और एक बार ये भी बता देना भाई कि लड़कों के ज्यादा फेवरेट होते हैं या लड़कियों के या दोनों के। तो इसका एक बाइट लूंगा, एक राम लड्डू, और बताता हूँ आपको टेस्ट कैसा है। तो अगर आप आ रहे हो ना भूरी गार्डन, मस्त है, फटाफट आओ, और भूरी आंटी के राम लड्डू जरूर ट्राई करना। भाई मोठ कचौड़ी खाने के लिए आ चुके हैं भैया के पास, 15 साल पुरानी शॉप है भाई, और सबसे पहले बना रहे हमारे लिए लेमन, लेमन बना दो, लेमन सोडा है, ये कितने रुपए का है? हाँ जी 40 का भाई, मेरे को तो लग रहा है ये गर्मियों के अंदर लीटर लीटर पी जाते होंगे लोग, पर सीरियसली कह रहा हूँ भाई ये जो राहत देता ना, सच में कह रहा हूँ, इसके इसको पीने के बाद जो राहत आती है मज़ा आ जाता है, मतलब समझ लो 5-10 हज़ार रुपये की शॉपिंग और फालतू कर लोगे। क्या बात है भाई, तो इनकी जो एक्चुअली जो खास है ना वो है दाल मोठ कचौड़ी। तो पहले गर्मी थी तो भैया इतनी गर्मी लग रही है, तो मैंने सोचा पहले यही बनाया जाए। वाह भाई वाह, ये देखो भाई साहब बढ़िया से नींबू डाल दिए, मसाला डाल दिए, ये भाई साहब बन चुका भाई हमारा लेमन बन चुका है, ये देखो। अरे पीना है भाई? अच्छा पीने के लिए भी पैक होता है सर? अच्छा क्या बात है भाई साहब, पूरा बढ़िया से देते हैं भैया पैक करके ताकि स्पिल नहीं होगा। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, ये आगे भाई 60 रुपए के लेमन बर्बाद। तो भाई साहब लेमन आ चुका है, ओ भाई अजीब भाई, सच कह रहा हूँ मैं, अगर मेरी किसी बहन ने यहाँ पे शॉपिंग करते हुए अगर ये पी लिया ना तो 5-10 हज़ार की शॉपिंग एक्स्ट्रा होगी इसके बाद, एनर्जी आएगी एनर्जी। तो एक काम करते हैं भाई, जिस चीज़ के लिए आए हैं वो लगवाते हैं, दाल मोठ कचौड़ी। ये देखो भाई साहब दाल मोठ कचौड़ी लगने जा रही है अब, ये भी 60 रुपये? हाँ जी। ये देखो सबसे पहले इसके अंदर डाला जा रहा है भाई काट के प्याज, बढ़िया सी डाल दी है। अब ये आ गए भाई पीले चावल, ये भाई इसमें तो हल्दी डालते हो? हल्दी डाल के। वैसे ये पीले रंग की क्यों होते हैं, वाइट क्यों नहीं होते? वाइट ही होते, पीली हल्दी डालते हैं। तो हल्दी डालते हैं बस। हाँ ये आगे भाई कचौड़ी, दो कचौड़ी बढ़िया से तोड़ दी है मज़ेदार, मसाले ये लो जी, मसाले आ गए, लाल मिर्ची आ गई, नमक आ गया, वाह भाई वाह। जब दाल मोठ कचौड़ी का नाम आता ना तो सबसे पहले आवाज़ पता कहाँ की आती है मेरे को? ढोलक। हुआ
वहाँ तो लाइन से खड़े होते हैं भाई। ये देखो भाई सर, ये डाली भाई गर्मा गर्म दाल। ये दाल कौन सी होती है भाई? स्प्राउट्स ग्रीन दाल होती है ना, स्प्राउट्स वाली ना, बॉइल्ड करके बॉइल्ड कर रखी होती है, मोट वाली दाल। दाल मोट है ये एक्चुअली में, बढ़िया सी। और ये 60 रुपये की प्लेट है भाई। लो जी तैयार हो गई है, अब ट्राई करते हैं भाई और बताते हैं आपको कि टेस्ट कैसा है। ये लो भाई साहब, ये आ गया भाई हमारा दाल मोट पकौड़ी। ये देखो भाई साहब, मिर्ची डाल दी है, ये फ्लेवर वाली मिर्ची है जी, ये तीखी वाली नहीं है। और अगर विश्वास नहीं है ना तो ये देखो कोई मिर्ची लगी तो भाई चश्मा करते ऊपर और फटाफट आ जा भाई आगे पर। जो ये देख, ओए ओए, गर्मा गर्म दाल मोट। ओहो, जो नींबू की खटास है ना भाई इसमें, बट मेरे को टेस्ट वाज 10 में से 5 नंबर। ओहो, चीज़ अच्छी है, बढ़िया है, पर मुझे बहुत ख़ास नहीं लगी। बट अगर आप आ सकते हो, इसको ट्राई कर सकते हो तो बता देना कि आपको कैसी लगी। मेरे लिए एवरेज सी है भाई, वो तो नेक्स्ट लेवल है। फिर काम करते हैं भाई, ये सारी जगह आपको ट्राई करनी है। जब भी आप रजौरी मार्केट आए, आपको मुझे बताना है कि यहाँ पे और कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जो मैंने छोड़ दिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।